अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। ये देखें जी हमारी मुर्गी माशाल्लाह, अभी इनको खाना भी देना है और पानी भी रखना है। माशाल्लाह हमारी जो ज़्यादा मुर्गी है ना वो इस छत के ऊपर बैठी रहती हैं सारा दिन, क्योंकि ये मुर्गे जो है ना हमारे ये बहुत तंग करते हैं मुर्गियों को, इसलिए ये भी बेचारी सब की सब जो है ना उधर छत के ऊपर बैठी हैं। वो देखें तो जी देखें माशाल्लाह, ये मैं अभी इधर आया, इस गुफे में अभी आया, ये सब की सब मेरे पीछे आ गई। नए वाली मुर्गी भी साथ में है, हमारी जो गोल्डन मुर्गी है माशाल्लाह। ये देखें चेक करें, ये बस एक महीने तक अंडे देना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे जो पुराने वाले मुर्गी है वो अंडे बंद कर दिए, थोड़े से अंडे दे रही हैं, यानी कि 5-6-7 अंडे निकल रोज़ के मिलते हैं। पहले तो 20-25 अंडे लेता था मैं, अभी माशाल्लाह बहुत। ये देखें जी इनकी हालत देखें, मुर्गी के जो पर हैं वो भी उतर गए बेचारियों के। देखें ये सिर्फ मुर्गे तंग करते हैं, ये इतना तंग करते हैं ना ये मुर्गे, ज़्यादा मुर्गियों को देखो सर के बाल भी उतर गए इनके बेचारी के। हमारा ये वाला आश जो है ना ये बेचारी तबाह है मेरे ख्याल में, ये सफ़ेद वाली, इसको जो है ना थोड़ा सा दवाई देनी पड़ेगी, पता नहीं क्या है इसको, ये आज बीमार लग रही है बेचारी ये सफ़ेद वाली। वो उधर एक मुर्गी के पीछे गए, एक मुर्गी के पीछे एक गया, ये सब उधर चले गए मुर्गे। इन्होंने ये भी बहुत तंग किया हुआ है मुर्गियों को, बेचारी ऐसे डर से वो सारी की सारी छत के ऊपर बैठी हुई है उधर ऊपर। वो देखें तो जी चलते हैं ना इनके लिए खाना लेके आते हैं मुर्गियों के लिए। अभी ये देखें कितने लड़ रहे हैं मुर्गी के, छोटे वाली है भाई, छोटी है, अभी बच्चे जो चिक्स लेके आए थे वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये छोटे से बेचारे हैं। तो देखें जी मैं इनके लिए खाना लेके आ गया है, ये बाल्टी जो है ना फुल करके लाया, क्योंकि हमारी मुर्गी अभी पहले से ज़्यादा हैं माशाल्लाह, 50 मुर्गी बच्चे जो है ना चिक्स, ये छोटे वाले हम ले लेके आए थे, ये छोटे छोटे मुर्गे हैं ना, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करेंगे, ये बहुत ही शरीफ है, ये भागते नहीं है। हाँ मुर्गी ये देखें जी, ये किसी की ऐसी मुर्गी हैं देखें माशाल्लाह, ऐसा खुद देखें जी माशाल्लाह। मैंने इनको खाना दे दिया है, अभी जो हमारी मुर्गी है बड़े वाली वो बेचारी ऊपर छत के बैठी हुई हैं, अभी उनका क्या बनेगा, वो तो भूख से मर जाएंगी। चेक करेंगे माशाल्लाह, इधर से जो है ना हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो देखें वो जा रहा है। जो मुर्गी है ना ये खुराक नहीं होती, क्योंकि ये दूसरी मशीन वाली मुर्गी है ना, दूसरी मशीन से निकला होता है ना ये बच्चे, वही वाली मुर्गी है, ये खुराक नहीं होती। अभी एक आधी मुर्गी बैठी थी उधर, लेकिन वो फिर भी हमने बोला शायद खुराक हो रही है, लेकिन वो फिर चली गई, वो ऐसे शायद बैठी हुई थी, वो भर बहर में निकल गई। मैंने कहा यह शायद वो खुराक हो रही है, अभी इधर नहीं बैठी है, देखो बैठी है और बैठी हुई है काले वाले, ये बैठी है ये सामने, ये जो है ना अंडा दे रही है, वरना अगर ये खुराक पे बैठती तो हम इनको ज़रूर बिठा देते। मिक्स मुर्गी है, देसी भी है, गोल्डन भी है मुर्गी है, और मिश्री भी मुर्गी बहुत है इसमें। और ये जब हमने ये वाली मुर्गी देखी ना, ये कहाँ ऊपर पा रहे हैं इसके, ये वाली, ये जब हम लेके आए थे वो बंदे जो जिससे हम मंगवाया था हमारे अरबाब ने, वो उसने बोला था कि ये केरला मुर्गी है, जो केरला वाली मुर्गी थी उसमें से बेचारी 2-3 जो है ना बारिश की वजह से मर गई थी, इधर जो सैलाब आया था पानी का उसमें 3 मुर्गी हमारी मर गई केरला वाली। अभी एक
ये बची हुई है, दूसरी जो है ना वो देखें वो पीले वाली वो बची हुई है, और दो मुर्गे हैं, एक ये खड़ा हुआ है, दूसरा मुर्गा जो है ना वो है, वो देखें आखिर में वो खड़ा है। ये बेचारे हमारी बहुत सारी मुर्गी जो है ना 15 दाने जो है ना हमारे वो बारिश की वजह से मर गई थी। हमारी मुर्गियों ने तकरीबन माशाल्लाह एक डेढ़ महीना पूरा अंडे आला तोल दिए, एक दिन भी नहीं छोड़ा। अभी जो है ना तकरीबन 6-5 दिन हो गए हमारी मुर्गी जो है ना अंडे देना थोड़े बंद कर दिए हैं, थोड़े थोड़े अंडे दे रही हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा दे रही थी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में ये रेस्ट करेंगी, ये कम से कम 20-25 दिन जो है ना ये रेस्ट करेंगी, ये लगता है एक महीना भी हो सकता है ये शायद, फिर ये दोबारा अंडे देना स्टार्ट करेंगी इंशाल्लाह। अभी भी दे रही हैं थोड़े हैं, अभी तो बहुत थोड़े हैं, 5-7-8 अंडे कुछ भी नहीं है माशाल्लाह, हमारी 100 से ज़्यादा मुर्गी है, तो ये आला तूल अंडे देती रहें तो फिर पूरी की पूरी बीमार हो जाएंगी, इसलिए इनका एक महीना रेस्ट बीच में होना लाजिम है। तो जी देखे मैंने जो है ना इनको खाना और पानी दे दिया है पूरे को, पूरी मुर्गी को